हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोनेटाइजेशन के लेकर। और YouTube की तरफ से एक बहुत ही बेड न्यूज आया है, और ये बेड न्यूज उन लोगों के लिए है जो कि जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है और जो कि न्यू यूट्यूबर है। ठीक है दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा बेड न्यूज आया कि अभी तक का यूट्यूब में सबसे बड़ा बेड न्यूज जो होता है वो आया है। ठीक है, वो बेड न्यूज इसलिए है क्योंकि दोस्तों मोनेटाइजेशन का जो रूल होता है उसमें जो थोड़ा चेंज आया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सारा क्लियर करके बताऊंगा कि जो बेड न्यूज जो आया है सभी यूट्यूबर के लिए जो कि जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है और जिनका अभी तक जो पेमेंट भी अभी तक यूट्यूब से नहीं आया है। ठीक है, तो अब क्या है और क्या नहीं है, आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन का रूल जो है कि उसमें जो 4000 वाचटाइम जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा और 1000 सब्सक्राइबर तब तक दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। उसमें एक नया अपडेट आया कुछ दिन पहले कि आप आपका अगर शॉर्ट वीडियो में अगर 10 मिलियन व्यू अगर आता है तो उससे भी आप अपना यूट्यूब मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सब प्रक्रिया होने के बाद अगर आपका सारा चीज हो गया है उसके बाद जब आप मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू में डालते हैं, रिव्यू में डालने के बाद दोस्तों आपका गूगल एडसेंस से लिंक होता है, जब गूगल और यूट्यूब दोनों लिंक होता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका उसमें जैसे गूगल एडसेंस में जब तक $10 नहीं होता है तब तक आप गूगल पिन के जैसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाद दोस्तों उसके बाद जो तो होता है कि जब आपका $10 हो जाता है कंप्लीट आपके गूगल एडसेंस में उसमें जमा जब होता है तो उसमें के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एक गूगल एडसेंस पिन का जो अप्लाई करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, उस ऑप्शन को आप अप्लाई करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा वो गूगल एडसेंस पिन जो भेज दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह आपका ATM पिन रहता है तो उसी तरह एक गूगल एडसेंस पिन रहता है, उसके बाद वो पिन को दोस्तों गूगल एडसेंस के वॉलेट में दोस्तों जाके वहां पे वेरीफाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेरीफाई करने के बाद तुरंत पेमेंट अकाउंट में दोस्तों नहीं आता है। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा अपडेट रहता है, उसमें बहुत बड़ा काम आपका दोस्तों बचा रहता है। ठीक है, वो वर्क क्या है, वर्क है दोस्तों कि वहां पे ID वेरिफिकेशन। ठीक है, तो पहले दोस्तों क्या होता था, पहले 5 डॉक्यूमेंट से दोस्तों पहले ID वेरिफिकेशन होता था। ठीक है, इसी में दोस्तों गूगल के द्वारा दोस्तों चेंज किया गया है। और वो चेंज क्या है, पहले मैं बता देता हूँ कि पहले जितने भी सारे यूट्यूबर हैं और जितने सारे लोग हैं पहले कौन कौन सा ऑप्शन आता था ID वेरिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में दोस्तों आता था वोटर ID कार्ड। ठीक है, और सेकंड नंबर में पासवर्ड था, और तीसरा में ड्राइविंग लाइसेंस था, और चौथे में पैन कार्ड, और पांचवे में आधार कार्ड। ठीक है, ये पांचों में से आप किसी से भी ID वेरिफिकेशन करके उसमें फोटो खींच करके अपलोड करने पर दोस्तों गूगल एडसेंस का ID वेरिफिकेशन दोस्तों कंप्लीट हो जाता था। ठीक है, अभी दोस्तों कुछ दिन पहले 2 साल पहले दोस्तों उसमें दोस्तों आधार कार्ड हटा दिया। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि आधार कार्ड जितने भी सारे लोग हैं हमारे इंडिया में सभी के पास रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आधार कार्ड जब हटा दिया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको प्रॉब्लम हुआ मोनेटाइजेशन करने के लिए। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका इधर उधर करके फिर अपना वो पैन कार्ड और हो गया ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट वोटर ID इन ये सबसे जो मोनेटाइज किए हैं, लेकिन दोस्तों उसमें जो आप एक चीज और हटा दिया। ठीक है, और आप लोगों को बता देता हूँ पासवर्ड तो अधिकतर लोगों के पास नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो जब तक पासवर्ड नहीं बनेगा तब तक आपका जो वेरिफिकेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि पासवर्ड कोई नहीं बनाता है। ठीक है, आजकल क्योंकि जिसको विदेश जाना रहता है वही लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अधिकतर लोग तो हमारे इंडिया में रहना चाहते हैं, घूमने का तो उतना पैसा ना रहता है, और वोटर ID कार्ड भी दोस्तों बहुत ऐसा रहता है कि नाम गलत है, बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आता है। ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास कार नहीं है मोटरसाइकिल नहीं है तो वो तो ड्राइविंग लाइसेंस बना नहीं सकते हैं वैसे यूट्यूबर। और चौथा था दोस्तों पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड 100-200 रुपये लगता था, पैन कार्ड हर कोई बना के रखा है। ठीक है, तो पैन कार्ड से बहुत सारे लोग जो 2 साल के भीतर अंदर मतलब बहुत सारे लोग जो मोनेटाइज कर लिए चैनल। ठीक है, और उससे पैसा अच्छा खासा कमा रहे हैं। ठीक है, जितना भी हो सके, लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बेड न्यूज यही है कि पैन कार्ड भी जो आप हटा दिया है। ठीक है, आप अपना यूट्यूब मोनेटाइजेशन का जो आप आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दोनों से आप किसी से नहीं कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों यूट्यूब की तरफ से सो एक अपडेट आ गया है, और वहां पे आप अगर गूगल एडसेंस में आप अभी आप अगर मोनेटाइज करके देखेंगे तो वहां पे जो डायरेक्ट पैन कार्ड का ऑप्शन हटा दिया है, और आधार कार्ड का भी ऑप्शन तो पहले 2 साल पहले हटा दिया है। अब सिर्फ बचा है वोटर ID कार्ड, पासवर्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। और हमारे इंडिया के जितने यूट्यूबर हैं वो ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं, जो ऐसे आदमी है जो ऐसे घर के हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का क्षमता है, और नहीं तो आपको वोटर ID कार्ड से ही आपको जो अप्लाई करना होता है। और दोस्तों आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि वोटर ID कार्ड को जो आपको जो आपके अकाउंट में है आप उसी नाम से आपका वोटर ID कार्ड रहना चाहिए, उसमें कुछ मिस्टेक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा गूगल एडसेंस, ID वेरिफिकेशन आपका दोस्तों नहीं होगा। यही बेड न्यूज है दोस्तों सभी यूट्यूबर के लिए जो कि जिनका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है,
जो कि न्यू यूट्यूबर हैं और जिनका आशा था कि हम पैन कार्ड से भी अपना दोस्तों चैनल मोनेटाइज कर लेंगे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर वीडियो जो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।